नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इन दिनों सितारे गर्दिशों में चल रहे हैं। आलम यह है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान सरकार के मंत्री यानी कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, वो अपनी उलपटांग हरकतों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की फजीहत कराते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना कैसे मजाक बनवा दिया। तो आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जिस तरह से फ्रांस में शिक्षक की गला रेतकर जो हत्या कर दी गई थी और जिसको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे इस्लामिक आतंकवाद करार दिया था और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी सख्त निर्देश दिए थे, और इस्लाम को लेकर या फिर यूँ कहें कि कट्टर इस्लाम को लेकर जो उनके बयान थे उसकी पाकिस्तान में खूब निंदा की जा रही थी, तुर्की की तरह पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ हंगामा मचा हुआ था, और जिसको लेकर शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि फ्रांस से पाकिस्तानी राजदूत को बुला लेना चाहिए। लेकिन देखिए, असल बात क्या निकल कर सामने आई कि 3 महीने पहले ही फ्रांस से पाकिस्तान अपना राजदूत बुला चुका था और उसका तबादला चीन में हो चुका है। तो इससे एक बात तो साफ है कि शाह महमूद कुरैशी को अपने खुद के मंत्रालय की यानी कि विदेश मंत्रालय की ज़्यादा जानकारी रहती नहीं है। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एक बार फिर पाकिस्तान को झटका लगा है, और ये झटका दिया है उसके सबसे अजीज दोस्त सऊदी अरब ने। जी हाँ, अगले महीने सऊदी अरब की तरफ से G20 समिट का आयोजन होने वाला है। सऊदी अरब के रियाद में इसका आयोजन होगा जिसका नेतृत्व खुद क्राउन प्रिंस सलमान करेंगे, वहाँ की सऊदी अरब सरकार करेगी। और इसको लेकर सऊदी अरब सरकार ने एक नोट जारी किया है, और इस नोट को जारी करते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए कश्मीर के अलावा गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया है, इन्हें एक स्वतंत्र देश के तौर पर दर्शाया है। आपको बता दें कि जिस समिट को और ख़ास बनाने के लिए सऊदी अरब की तरफ से 20 रियाल का एक बैंक नोट जारी किया गया है। अब इस बैंक नोट के अगले मतलब जो फ्रंट का जो हिस्सा है बैंक नोट के, उसमें तो एक तरफ जहां सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की फ़ोटो लगी हुई है और साथ में एक स्लोगन दिया गया है, तो वहीं इस नोट के पीछे जे समिट के 20 देश जो इस समिट में शामिल होते हैं उनके नक्शे दर्शाए गए हैं अलग अलग रंगों में, और इसी नोट में कश्मीर गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया है एक स्वतंत्र देश के तौर पे। और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ना ही कोई टिप्पणी की गई है और ना ही कोई कार्रवाई सामने आई है। तो इससे ये बात तो साफ हो गई है कि किस तरह से बदलते वक्त के साथ साथ अब सऊदी अरब ने भी अपनी विदेश नीतियों में बदलाव लाते लाते कहीं ना कहीं उसका जो झुकाव है वो भारत की ओर बढ़ता जा रहा है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सऊदी अरब ने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह वो पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है और भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान का कोना कोना, उसकी पूरी सरजमीन किस तरह से कर्ज के बोझ से दबी हुई है। फिर चाहे वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रहा हो, चीन से कर्ज ले रहा हो, इस्लामिक देशों से कर्ज ले रहा हो, या फिर वो सऊदी अरब से कर्ज ले रहा हो। और हाल फिलहाल में अगस्त के महीने में ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फौरन कर्ज लौटाने की बात कही थी, उनसे कर्ज वापस लेने की बात कही थी, और जिसके चलते जो पाकिस्तान थे उसकी दिवालिया जैसी स्थिति एक बार फिर से हो गई थी। और इससे पहले आपको याद होगा कि 5 अगस्त को जिस तरह से जम्मू कश्मीर को उससे 370 धारा हटाई थी मोदी सरकार ने, उसको लेकर भी उस टाइम जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी अन्य इस्लामिक देशों की तरह सऊदी अरब ने भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा था, और ना ही उसने पाकिस्तान को लेकर कुछ कहा था, और इसे भारत का आंतरिक मसला करार दे दिया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक बार फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को झटका देते हुए गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर को अलग देश के तौर पे नोट पे दर्शाया है। आपको बता दें, हाल फिलहाल में पाकिस्तान अब इस्लामिक देशों से दूर होता जा रहा है, बस तुर्की और चीन के सहारे वो बस अपनी नैया किसी न किसी पार लगाना चाहता है।